तो चलिए आज हम आपके साथ वीवीएम में फंक्शंस को सॉल्व करना सिखाते हैं। तो मेरे पास एक डेटा है, मुझे इन बिटवीन टू डेट्स में मुझे नंबर ऑफ सैटरडे एंड नंबर ऑफ संडे को काउंट करना है। इसके लिए हमने एरे फॉर्मूला का इस्तेमाल किया था, ये आप देख सकते हैं एरे का इस्तेमाल किया था, लेकिन एरे कॉम्प्लिकेटेड है तो हर कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला हम बनाना चाहते हैं जो कि कोई भी उसको इस्तेमाल कर सके। समझ गए सर? चलिए, ओके यस सर। तो हम यहाँ पे वो सिंपल फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देते हैं फंक्शन, और फंक्शन का नाम मैंने लिख दिया काउंट वीक डे, ठीक है, या काउंट डेज भी कर सकता हूं मैं, सिंपल में काउंट डे सीधे कर दिया काउंट डे। और इनपुट हो गया स्टार्ट डेट एज ए डेट, पहला स्टार्ट डेट होगा, दूसरा होगा हमारा एंड डेट, ई एन एज ए डेट, दो इनपुट हो गया, और एक हमारा हो जाएगा डी एज ए स्ट्रिंग जो कि डेट होगा, संडे मंडे ट्यूजडे होगा। मतलब जो फॉर्मूला अप्लाई होगा तो यहाँ पे होगा सी डे नाम का फॉर्मूला, हम यहाँ स्टार्ट डेट लेंगे, यहाँ हम एंड डेट लेंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे सैटरडे है तो सैटरडे। अब जैसे कि ये आपका ए फोर की वैल्यू एस टी पे लोड हो जाएगा, आपका बी फोर की वैल्यू ई एन पे लोड हो जाएगा, और सैटरडे डी पे लोड हो जाएगा। अब चलिए, हमने पहला चरण कंप्लीट कर लिया डिक्लेरेशन फॉर्मूला, अब कैलकुलेशन। तो यहाँ पे करते हैं कि डिम आर एज ए लॉन्ग, क्योंकि काउंट है तो लॉन्ग होगा, फिर लूप लगाएंगे कि फोर आई इक्वल टू चले एस टी टू ई एन। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा डेट होता है वो भी एक नंबर ही होता है ना सर, इसलिए हमने यहाँ पे एस टी टू ई एन कर दिया। और फिर हम कंडीशन देते हैं यहाँ पे कि इफ इफ एस टी नहीं नहीं इफ फॉर्मेट फॉर्मेट और आई कॉमा, इसमें दे दिया तीन बार डी 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 इक्वल टू डी, देन आर इक्वल टू आर प्लस वन, और फिर यहाँ पे एंड इफ, और लास्ट में सी डे इक्वल टू आर। अब बताइए क्या इसमें समझ में आपको नहीं आया? सर ये आर इक्वल टू आर प्लस वन क्यों किया? हेलो काउंटर दिया हमने, हमने काउंटर दिया है, काउंटर काउंट करने के लिए। मैं बताता हूँ ना, अभी समझाता हूँ, जाइए आप, लग रहा है कि सी पे आर पे कंफ्यूज हैं आप। देखिए क्या हुआ कि ए आई क्या करेगा, मान लीजिए कि 30 दिन है तो 30 दिन चलेगा, हर दिन का यहाँ पे डे कन्वर्ट करेगा, करेगा सर, मतलब और सैटरडे संडे में। हाँ मतलब नहीं सैटरडे संडे नहीं, वो पूरा करेगा, जैसे कि मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे सबको करेगा, मतलब कि 30 दिन है ना, 30 दिन को वन बाय वन उसको डे में कन्वर्ट करेगा फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे आई दिया हुआ है, दिख रहा होगा आपको। हाँ सर बिल्कुल, स्टार्ट से लेके एंड तक जितना भी टाइम फ्रेम होगा वो हाँ सब एक दिन पकड़ेगा, एक डेट पकड़ेगा, उसको उसको कन्वर्ट डी करेगा, उसको में मैच चेंज। करेगा डी से। अब उसको डी ठीक अगर है इक्वल हो जाता है, मतलब कि उसको सैटरडे मिल जाता है या फिर जो भी हमने डाला हुआ है डी पे वो मिल जाता है, मैच हो जाता है, तो आर पे अच्छा वो अच्छा ठीक वैल्यू स्टोर कर देगा। है सर, और आर को डिस्प्ले कर देगा कि कितने सैटरडे आए हैं, हाँ, सैटरडे और आर संडे पे में। जो वैल्यू स्टोर होगी वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक आर है पे सर, ठीक कितनी है वैल्यू स्टोर होगी, जितना बार उसको आई में सैटरडे मिलेगा, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। सर। अभी हाँ बोलिए। अब मेरे को थोड़ा ये कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जैसे हमें यहाँ सैटरडे निकालना है, ठीक है, तो हमने जो दिया है ना, यहाँ जो असाइन किया है डी एज ए स्ट्रिंग, राइट, तो हमने यहाँ पे अगर इनपुट देंगे डी सैटरडे, तो अकॉर्डिंग टू डी में वो कितने बार सैटरडे आया मतलब आ जाएगा डी के अंदर, एज पर जो इफ फॉर्मेट डाला है आपने, है ना। लेकिन ये आर असाइन कैसे होगा मेरे को ये समझ में नहीं आया। आर इजकल टू आर प्लस वन, फॉर एग्जाम्पल की डी का डी में पूरा आ गया। आर मतलब सुनिए समझे, आर एक लॉन्ग है, ठीक है, हाँ आर एक लॉन्ग है। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि जैसे फर्स्ट टाइम रन हुआ तो ये था आपको फ्राइडे था, तो इसने कुछ नहीं किया, बाहर आ गया।
फिर सेकेंड डायमंड हुआ सैटरडे था, सैटरडे था तो इसने क्या कर दिया आर इक्वल टू आर प्लस वन, मतलब कि जीरो, आर फिलहाल तो जीरो है क्योंकि आर पे कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, तो जीरो है, जीरो प्लस वन इक्वल टू वन, तो आर के पास वन, आर आर की वैल्यू वन हो गई। फिर नेक्स्ट टाइम रन करेगा तो फिर नेक्स्ट टाइम एक हफ्ते बाद फिर उसको सैटरडे मिल गया तो मैच हुआ, तो फिर आर प्लस वन, तो आर पे एक वैल्यू तो स्टोर है, फिर एक जोड़ दिया तो क्या हो गया दो हो गया, तो वैल्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई टू हो गई। फिर एक हफ्ते बाद उसको एक और सैटरडे मिल गया तो ये आर प्लस वन, तो आर की वैल्यू क्या है दो है, दो प्लस वन तीन हो गया। तो फाइनली जब लास्ट बार ऐड होगा तो चार होगा, चार प्लस वन फाइव हो जाएगा, तो इस पे जो वैल्यू ऐड होके स्टोर रहेगी क्योंकि इसको हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। अगर आप यहाँ r इक्वल टू वन करते हैं और फिर r इक्वल टू फाइव टू करते हैं तो r की वैल्यू टू हो गई, लेकिन मैं r इक्वल टू वन प्लस टू कर दिया तो क्या हो गया थ्री हो गया, समझ गया ना। अगर मैं मान लीजिए कि थ्री हो गया फिर वापस मैं करता हूँ r इक्वल टू आर प्लस टू, तो अब कितना r की वैल्यू का क्या होगी फाइव होगा ना। तो ऐसे ही ये क्या कर रहा है कि r प्लस वन, मतलब कि ये ऐसे चलेगा बता दूं आपको कि पहला बार होगा r प्लस वन, r की वैल्यू जीरो है तो वन हो जाएगा, फिर r इक्वल टू आर प्लस वन, तो r की वैल्यू वन है क्योंकि यहाँ वन ऐड हो चुका है, इससे पहले वो जीरो था लेकिन यहाँ पे वन ऐड हो गया तो r की वैल्यू वन हो गई, वन प्लस वन इक्वल टू टू, फिर इक्वल r प्लस वन थ्री, इक्वल r प्लस फोर, तो ऐसे ही वन बाई वन ऐड करते जा रहा है, समझ गए। अब आया समझ, जैसे यहाँ हमने डिम आर लिया ना आर एज ए लॉन्ग, तो इसको लूप चलाने के लिए हम आर का यूज कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन था, अब समझ में आ गया कि ये आर काउंटर हुआ क्योंकि इसको संडे मिल रहा है, उसका काउंट कैसे पता चलेगा, हमें काउंट करना है ना, एक दो तीन चार पांच ऐसे काउंट करना है, तो एक काउंटर है, एक काउंट कर रहा है, अपने जितना वैल्यू होगा स्टोर कर रहा है। मान लीजिए ना कि आपको मैदान के 10 चक्कर घूमने हैं, ठीक है, तो आप गिनती भूल जाते हो, तो आपने क्या किया हाथ में गिट्टी रख लिया और जैसे एक चक्कर पूरा होता है तो एक जगह आप गिट्टी एक गिरा देते हो, फिर दूसरा चक्कर पूरा हुआ गिट्टी आपने गिरा दिया, फिर तीसरा चक्कर पूरा हुआ गिट्टी गिरा दिया, लास्ट में जब जितने गिट्टी है उसको काउंट कर लोगे तो पता चल जाएगा कि आपने इतने राउंड दौड़ा। तो उसी तरह से जैसे उसको मैच कर रहा है एक वैल्यू इस पे लोड कर दे रहा है, जैसे हो रहा है ऐड कर दे रहा है, आफ्टर लूप जितना वैल्यू इस पे ऐड है इट्स योर रिजल्ट। यस राइट सर, यही चीज मैं इंटरव्यू में गया था तो मेरे से पूछा था, मैं नहीं कर पाया ये, वो मैंने पूछा भी था कि सर ऐसे कैसे करेंगे, तो आपने बोला था बताऊंगा बाद में, यही चीज था वो। तो उसमें उसको दो चीज चाहिए थी, सैटरडे फ्राइडे चाहिए था, मतलब स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट में सैटरडे फ्राइडे उनको चाहिए था, इसको हटा के फिर इसका काउंट देना था, माने कि टू बिटवीन टू डेट्स के बीच, मतलब कि स्टार्टिंग एक डेट, हां मतलब कि बिटवीन, आपको बिटवीन टू डेट्स के अंदर में सैटरडे और फ्राइडे दोनों को काउंट करना था, ये बोल रहे हैं आप, काउंट इन दोनों सैटरडे और फ्राइडे को हटा के जो बचा हुआ काउंट है वो देना था। हाँ तो आप इसमें ये कर सकते हैं नॉट इक्वल टू कर दीजिए डी जी, ठीक है ना, और फ्राइडे है आपको तो यहाँ पे एक और लगा दीजिए और सेम कर दीजिए, सेम फॉर्मूला कॉपी कर दीजिए और फ्राइडे को हटा दीजिए, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना, अब सैटरडे फ्राइडे दोनों को हटा देगा नॉट इक्वल टू, तो दो कंडीशन है तो यू कैन और थ्री, आगे बढ़े। हाँ सर, अगला क्वेश्चन सिमिलर है, अगला क्वेश्चन ये है कि मुझे सेकेंड सैटरडे कौन चाहिए, बिटवीन टू डेट सेकेंड सैटरडे चाहिए, मतलब कि मैं डेट को लूं, डेट को लेने के बाद उसको वीक में कन्वर्ट करूं, फिर उसको सैटरडे से मैच करूं, तो जहां जहां सैटरडे आ रहा है वहां वहां हमारा नंबर आना चाहिए, ठीक है ना, और फिर हमने यहाँ से स्मॉल के जरिए सेकेंड सैटरडे उठा लिया, ठीक है। अब ये तो एरे, ये तो मैनुअल कंसेप्ट था और इसको हमने एरे में यहाँ डाला हुआ था, यहाँ दिख रहा है आपको, लेकिन ये फॉर्मूला काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना, इसको तो हर कोई यूज नहीं कर सकता ना, आप देखिए वो फॉर्मूला कितना कॉम्प्लिकेटेड था, उसको देखिए मैंने कितना इजी कर दिया, आपको हर कोई अप्लाई कर सकता है इस फॉर्मूले को, तो ऐसे ही इस फॉर्मूले के साथ भी हम ऐसा ही करेंगे। चलिए
तो यहाँ पे हम देंगे कि फंक्शन हम देंगे एन डेज के नाम से, यहाँ देंगे हम मंथ का एसटी, मंथ स्टार्टिंग डेट जो है एज ए डेट, इसमें हमें मंथ का फिक्स करना है किस मंथ का करना है, और उसके बाद एन एज ए लॉन्ग और कॉमा डी एज ए डे एज ए स्ट्रिंग, ये हमने बना लिया फंक्शन, और इसमें ए यही लूप चलेगा जो दिख रहा है आपको ना सर जी, यही चलेगा। इसमें थोड़ा सा कंडीशन ऐड हो जाएगी, मैं आपको बताता हूँ क्या ऐड होगा इसमें। सबसे पहले कि हमें ईएन पता नहीं है, स्टार्ट डेट पता नहीं है, तो इसलिए लगाएंगे डे, और डे के अंदर करेंगे एप्लीकेशन डॉट ईओ मंथ, क्यों कर रहे हैं ईओ मंथ, एंड ऑफ मंथ है, एंड ऑफ मंथ बक्सिट फंक्शन डॉट ईओ मंथ, और इसके अंदर हम डालेंगे अपना डेट एसटी कॉमा जीरो, तो ईओ मंथ लास्ट डेट दे देगा और डे उसमें से लास्ट डेज का नंबर निकाल लेगा, जैसे 31 है तो 31, 28 है तो 28, तो लूप हमारा चलेगा। नहीं, इसमें इसमें डे लगाने की जरूरत नहीं है, माफ कीजिएगा, क्योंकि हमने ई एन एस टी डेट है ना हमारा, तो स्टार्ट टू एंड हो गया। फिर यहाँ पे डी हुआ और इसके ऊपर आर पे लगा दिया कंडीशन। अब इसी में एक कंडीशन हमें ऐड करना है कि इफ आर इक्वल टू आपका एन, जितना नंबर दिया हुआ है, देन एन डे इक्वल टू आई और एग्जिट फंक्शन एंड। अब बताइए ये हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले स्टार्ट टू एंड चलेगा, हमें चाहिए कि हमने यहाँ पे मान लीजिए कि 1 जनवरी दिया और सेकेंड सैटरडे चाहिए हमें, हमें 1 जनवरी का सेकेंड सैटरडे चाहिए, राइट सर, तो हमने लिख दिया एन डे का फॉर्मूला, ए हमारा डेट ए रहा, एन हमारा ए रहा और डे हमारा ए रहा, तो डेट आ गया 12 जनवरी। अगर हम इसी महीने का डेट डालें ताकि हम टैली कर सके, तो 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल सेकेंड सैटरडे, सही है, एकदम परफेक्ट रिजल्ट ले रहा है। अब वर्क कैसे कर रहा है इसको तो आप समझ ही गए थे, तो इसने हमने बोल दिया कि हमने बोला कि चेक करो कि आर का आर पे कितने वैल्यू स्टोर है, आर पे वैल्यू 2 स्टोर है, मतलब कि हमने एन में 2 दिया है, तो अगर 2 स्टोर है इसका मतलब है कि मुझे यही डेट चाहिए, समझ गया। तो यहां पे एन डे रिजल्ट, एन डे मतलब रिजल्ट, रिजल्ट में आई आई डेट है हमारा, इस डेट को पिक करो और फंक्शन को खत्म करो क्योंकि हमें रिजल्ट मिल चुका है, समझे। अगर एन का वैल्यू 3 करते हैं तो अगर एन डे पे जो है 3 को लेके वो एग्जिट हो जाएगा, 2 किया तो 2 को लेके, हाँ, आर पे वैल्यू स्टोर कब होगी, जब उसको सैटरडे मिलेगा, ठीक है, और सैटरडे मिलेगा अगर सेकेंड सैटरडे है, तो अगर इस पे सेकेंड अगर दूसरा बार वैल्यू मिला, मतलब कि आर पे 2 वैल्यू स्टोर हो गई, दूसरा वैल्यू स्टोर हो रही है, बस इफ चेक करेगा कि आर पे स्टोर की गई वैल्यू उतना ही है जितना हमको एन है हमारा, मतलब कि नंबर ऑफ सैटरडे है, तो यहाँ पे वैल्यू को आउट करे और फंक्शन को फिनिश कर दे, क्योंकि इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें रिजल्ट मिल चुका है। तो यहाँ पे एक चीज नई चीज है कि आप जब माइक्रो इस्तेमाल करते हैं तो लूप लगाइए, मान लीजिए कि आपको एक में से 500 फॉर्मूले नंबर है आपके, और आप में आपको उसमें 302 ढूंढना है, 500 में से 302 ढूंढना है, तो आपने लूप चलाया 1 to 500, और जैसे ही आपको 300 मिलता है तो बाकी के 200 लूप क्यों चलेगा, आप फंक्शन को एग्जिट कर दीजिए, माइक्रो को एग्जिट कर दीजिए वहां से, क्योंकि आपको रिजल्ट मिल चुका है, तो आगे चलने की क्या जरूरत है। इससे क्या होगा, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचेगी, मतलब कि आपका सिस्टम फंक्शन है वो परफॉर्मेंस अच्छा करेगा, ठीक है। Agreed. ठीक है, ये जो तरीका है ना, मतलब रियली में इतने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज को इजी, एकदम इजी कर रहा है, एकदम इजी। हाँ,
तो अब आप कीजिए, मैं दो क्वेश्चन बता दिया, अब ये फाइल मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे कर देता हूँ, मेल करना पड़ेगा सर, व्हाट्सएप से दिक्कत होता है क्या? व्हाट्सएप को सिस्टम पे खोल लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, क्या दिक्कत होता है? हाँ वो भी है।